पाकिस्तान के युवा और हुनरमंद गेंदबाज थे मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ इसका तो पता नहीं, लेकिन मोहम्मद आमिर ने इसका जिम्मेदार बकार यूसुफ और बिस्मिल्लाह को बताया है। वो पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी राजनीति के शिकार हो रहे थे। महज 28 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने क्रिकेट से जब अलविदा कहा तो ये खबर फैंस के लिए और पाकिस्तान बोर्ड के लिए बड़े झटकेमंद रही, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान खिलाड़ी 48 और 40 की उम्र तक क्रिकेट खेलते रहते हैं। लेकिन अब जब आमिर आईपीएल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वो आईपीएल में शामिल हो सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेलता या यूं कहें कि खेल सकता। इसके लिए अभी हमें ये जानना होगा कि आमिर कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। फिलहाल आमिर ब्रिटिश में रह रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। पूरी फैमिली के साथ वो ब्रिटिश में शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने जैसा कि बताया कि उन्हें अगर नागरिकता मिलती है ब्रिटिश की तो आगे वो चीज़ें बदलेंगी और वो हो सकता है कि नागरिकता मिलने के बाद वो सितंबर में आईपीएल में भी दिख सके। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनके बच्चों की पढ़ाई अब ब्रिटिश में ही होगी और वो 7-8 साल तक क्रिकेट और खेलेंगे ब्रिटिश में ही रहकर। तो अब मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नॉन टॉप को सब्सक्राइब कर लें और क्रिकेट की हर बात खबर पर नज़र रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।